गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो यार? अभी हो गया सुबह और मैं सो लिया हूँ। रात को दो तीन बार मेरी आँख खुली क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं ले ओवर कर रहा हूँ, पर फिर भी मैंने आराम तो पूरा कर ही लिया है क्योंकि आज का दिन भी होने वाला है लंबा। तो अभी मैं जाऊँगा खाना खाने जाऊँगा, अभी फ्रेश व्रेश होके फिर उसके बाद का सीन है लंच का। लंच करने के बाद लंच करूँगा हैवी क्योंकि मेरा दिन तो लंबा ही है, क्योंकि मेरे को 2-2.5 घंटे तो घर पहुँचने में लगते हैं एयरपोर्ट से। तो खाना खाऊँगा बढ़िया तरह से और अभी मौसम भी बाहर का साफ ही है तो वेदर वूदर कुछ मिलेगा नहीं फ्लाइट में। ये देखो पीछे बिल्कुल क्लियर है, धूप निकल रही है बढ़िया वाली। तो दिल्ली में भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नहीं है। नीचे सुबह मैंने वेदर देखा था, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत क्लाउड है और कोई विजिबिलिटी भी साफ़ है क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से विजिबिलिटी सही है अभी फ़िलहाल तक। तो अभी रेडी हो रहा हूँ, रेडी होने के बाद फिर आपसे नीचे जाके मिलता हूँ। भाई मेरे लिए बना रहे हैं आमलेट और दोनों साइड से सेक के। बढ़िया वाह। और अभी मैंने लिया है ये, इससे पहले मैंने बहुत कुछ खा लिया है, एक ऑमलेट खा लिया है, थोड़े से फ्रूट्स खाए हैं और उत्पम खाया था, अभी बस ये खाऊंगा, एक डोसा रखा है और एक चाय, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा ऊपर खा लेता हूँ ये। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है इस स्टैचू का, पर किसी को आता हो तो बता देना, किसी का पता नहीं, कोई भगवान ही निकले। ब्रेकफास्ट किए हुए मेरे को लगभग हो गया है 1.5-2 घंटे के आसपास हो गए हैं। तो अभी मेरे को जाना है लंच करने, लंच के बाद अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:10 और 2:10 पर मेरे को निकलना है, लेकिन उससे पहले मेरे को अपना पूरा सामान सेट करना है। देखो ये मेरे कपड़े इधर पड़े हुए हैं, ये देखो ये ऐसे ही फेंक देता हूँ, पूरा बेड और इवन ये पूरा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरे को लंच से पहले ये पूरा समेटना होगा, पूरा समेट के अपने बैग में सेट करके बस फिर मैं जाऊंगा खाना खा के अपना नहाऊंगा और रेडियो के यूनिफॉर्म पहन के नीचे निकल जाएंगे फ्लाइट के लिए। पैक पुक मैं कुछ करा नहीं रहा हूँ खाना वाना, क्योंकि यहाँ से अभी खाऊंगा रात को घर पे जाके थोड़ा बहुत हल्का, और जहाज़ में 1-2 फ्रूट खा लूँगा, नारियल पानी पी लूँगा और कुछ भी खा सकता हूँ अगर भूख लगी तो। और तो मेरा इतना कोई खास काम है नहीं, बस फिर निकलना है टाइम से 2:10 और अभी थोड़े से बाहर का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो पीछे आपको बादल दिख जाएंगे, हाँ दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जा रहा हूँ अभी खाना खाने, फिर उसके बाद मेरा बस नहाना बचेगा, कपड़े पहनने बचेंगे, और अभी मेरे पास लगभग है 30-40 मिनट है, तो जल्दी भाग के खाना खा के आना पड़ेगा। मैं वो अपनी कल वाली वीडियो एडिट कर रहा था इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, जाता हूँ
जल्दी से, अगर कुछ होगा अच्छा तो दिखाऊंगा, नहीं तो भी दिखाऊंगा। खाना तो मैं खा के आ गया हूँ, पर मेरे पास टाइम बहुत कम है, 13 से 14 मिनट है, उसमें मेरे को रेडी होना है, बाहर निकलना है, नहीं तो मेरी वजह से। अरे यार 1608 मेरा रूम भी नहीं खोल रहा, रूम नहीं खोल रहा यार, ये मैंने फ़ोन के साथ रख दिया था, हो सकता है इसलिए नहीं खोल रहा होगा, तो मेरे पास टाइम है नहीं। एक्सक्यूज़ मी, चलो मैं पहले ये चाबी देखता हूँ, फिर जल्दी से तैयार होता हूँ, लंका लग जाएगी नहीं तो। मेरा रूम खुल नहीं रहा है, मैंने भाई को बोला है कि मतलब ये मैंने फ़ोन के साथ रख दिया था तो खुल नहीं रहा है, भाई खोलेंगे अपनी मास्टर की से, क्योंकि अगर मैं नीचे जाता हूँ वहाँ से सही कराता हूँ तो मेरे को टाइम लग जाता, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, तो मेरे को टाइम लग जाता बहुत। और भाई बाहर थोड़ी देर पहले मैंने देखा था मौसम ख़राब था, अब ज़्यादा ख़राब है, पूरा थंडर स्टॉर्म पूरा काला हुआ पड़ा है, पर कोई बात नहीं देखते हैं। तो अभी बस मेरे पास 20 मिनट हैं, 20 मिनट में रेडी होना ही होना है, नहीं तो जहाज से बाहर फेंक देंगे कप्तान। तो रेडी हो जाता हूँ जल्दी से। तो अभी आ गया हूँ भाई जहाज में, बाहर तो हो गया जबरदस्त बारिश, अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस स्टार्ट करने वाले हैं, पैसेंजर डिसम्बार्क हो रहे हैं, और ये है मेरा कॉकपिट। यार अभी गोवा आ गए हम, गोवा आने के बाद अभी हमें जाना है वापस से दिल्ली, तो बस 5 मिनट का टाइम है, नीचे वॉक अराउंड करके आया हूँ, तो चलो हम दिल्ली जाके मिलते हैं और टैक्सी में मैं आपको मिलूँगा। टेक ऑफ भाई साहब, तो भाई अभी हम दिल्ली आ गए हैं, लैंडिंग हो गई है, काफ़ी फ्लाइट लगभग 50 मिनट डिले हो गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो अभी मेरे को कैब लेनी है, कैब में बैठ के फिर आपसे बातें करता हूँ। चलो ये रहा हमारा पीछे जहाज, ओके चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरे को डालना है इसमें फोल्डर, ये दोनों मेरी पोस्ट फ्लाइट के फोल्डर्स हैं, ये जाएंगे इस वाले क्लब में, एक दो ओके। तो दोस्तों अभी फ़्लाइट के बाद बैठ गया हूँ मैं अपनी कैब में कंपनी की में, और अभी जा रहा हूँ घर, तो यहाँ से लगभग मेरे को 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने का, क्योंकि मेरा घर लगभग 68 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास ही है, तो
और मैंने भाई को भी बुला लिया क्योंकि जो कंपनी की गाड़ी होती है वो मेरे को सिर्फ 50 किलोमीटर तक मिलती है, तो इसलिए वो आएगा, मेरे को 20 किलोमीटर और फिर घर जाना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है कंपेयर टू जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों से। पर ठीक है यार, आज की फ़्लाइट भी अच्छी थी और ज़्यादा कोई वेदर डेविएशन हमें करना नहीं पड़ा, मौसम अच्छा था। पर इधर दिल्ली में आके हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, तो 10-15 मिनट उसी से हमारी फ़्लाइट डिले होगी, थोड़ी डिले पहले से ही थी और थोड़ी यहाँ आके होगी, तो टोटल लगभग आधे घंटे हमारी फ़्लाइट डिले थी। पर फ्लाइट अच्छी थी, लेओवर मेरा बहुत अच्छा था, तो अभी घर जाके आराम करूँगा, थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाऊँगा। तो आज का व्लॉग मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर दूँ। चलो भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, थैंक यू।